हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन टेली तड़का चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सब टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लीड एक्टर दिलीप जोशी की, जिन्होंने शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल चंपकलाल गड़ा का किरदार निभाकर आज हर घर में मशहूर हो गए हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिलीप जोशी की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप दिलीप जोशी के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। सबसे पहला उनका रियल नेम है दिलीप जोशी, वही उनको सब प्यार से जेठालाल के भी बुलाते हैं। प्रोफेशन से वो एक एक्टर है, वही उनकी जोड़ियक साइन है जेमिनी। दिलीप जोशी की डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 1968, वही 2020 में उनकी एज है 52 ईयर्स। उनके फिजिकल स्टेट की बात करें तो उनकी हाइट है 5 फुट 5 इंच, वही उनका वेट है 80 किलोग्राम्स। दिलीप जोशी का आई कलर है ब्राउन, वही उनका हेयर कलर है ब्लैक। दिलीप जोशी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ है। दिलीप जोशी के एजुकेशन की बात करें तो दिलीप जोशी की स्कूलिंग हुई है पोरबंदर में, वही उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की है नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से। दिलीप जोशी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम की पढ़ाई की है। वहीं दिलीप जोशी का रिलीजन है हिंदू, वहीं नेशनलिटी है इंडियन। दिलीप जोशी के कैरियर की बात करें तो उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1989 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया में रामू करके एक सर्वेंट के रोल से की। वहीं बाद में उन्होंने हम आपके है कौन, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, खिलाड़ी 420, वन टू का फोर, हमराज और ढूंढते रह जाओगे में भी साइड एक्टर का रोल प्ले किया है। दिलीप जोशी ने कई गुजराती प्ले में भी काम किया है, जैसे बापू तमे कमाल करी और जलसा करो जयंतीलाल। दिलीप जोशी ने टेलीविजन पर डेब्यू 1995 में शो कभी ये कभी वो से किया। वहीं बाद में उन्होंने क्या बात है, 2 और 2 5, हम सब एक है, ये दुनिया है रंगीन, शुभ मंगल सावधान, हम सब बाराती और FIR के कुछ एपिसोड में भी काम किया। दिलीप जोशी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट 2008 में आए सब टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से आया, जिसमें उन्होंने जेठालाल चंपकलाल गड़ा का रोल प्ले किया, जो आज तक दर्शकों का मनोरंजन करता आया है। दिलीप जोशी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का रोल तब मिला जब वो डिप्रेस थे, क्योंकि उनके पास लंबे समय से कोई काम नहीं था। दिलीप जोशी को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें 2 बार इंडियन नेशनल थिएटर बेस्ट एक्टर अवार्ड, वहीं टैली अवार्ड्स, गोल्ड अवार्ड्स, ITA अवार्ड्स शामिल है। दिलीप जोशी की फैमिली की बात करें तो उनकी वाइफ का नाम है जयमाला जोशी, वहीं उनके बेटे का नाम है ऋत्विक जोशी, वहीं उनकी बेटी का नाम है नियति जोशी। दिलीप जोशी के घर की बात करें तो वो अंधेरी ईस्ट मुंबई में आलिशान घर में रहते हैं, जिसकी कीमत है 8 करोड़ रुपए। दिलीप जोशी की सैलरी की बात करें तो उन्हें पर एपिसोड का 1,50,000 मिलता है। वहीं दिलीप जोशी की नेटवर्थ की बात करें तो वो है 35 करोड़। दिलीप जोशी के कार्स की बात करें तो उनके पास कई कार है, वहीं उनकी फेवरेट कार है ऑडी Q7, जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। वहीं दूसरी कार टोयोटा इनोवा है, जिसकी कीमत है 14 लाख रुपए। दिलीप जोशी के फेवरेट एक्टर की बात करें तो वो है अमिताभ बच्चन सर। दिलीप जोशी की हॉबीज की बात करें तो वो है एक्टिंग और ट्रैवलिंग। वहीं दिलीप जोशी का फेवरेट फूड है गुजराती फूड, वहीं उन्हें चाइनीज और इटालियन खाना भी पसंद है। तो दोस्तों ये थे दिलीप जोशी यानी जेठालाल की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी। तो अगर आप दिलीप जोशी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।